बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही केंद्रीय मंत्री उमा भारती को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। वर्तमान लोकसभा में झांसी का प्रतिनिधित्व करने आई भारती करने वाली भारती ने आम चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें इस पद पर नियुक्त किया है। उमा ने कहा था कि वह मई से 18 महीने की तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती है। इससे पहले उमा भारती ने कहा था कि उन्होंने 2016 में ही तय कर लिया था कि वह इस बार आम चुनाव नहीं लड़ेगी। उमा ने यह भी कहा था कि अपना निर्वाचन क्षेत्र कभी नहीं बदल सकती, वहां के लोगों को उन पर गर्व है और वे उन्हें अपनी बेटी जैसा मानते हैं। उमा ने यह भी कहा है कि वह 2024 का चुनाव लड़ेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी शानदार बहुमत हासिल करेगी।